बढ़ते आगे खबरों की ओर, बात करेंगे लखनऊ की। प्रदेश में तेजी से ब्लैक फंगस अपने पैर पसा रहा है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 90 पार हो गई है। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 16 मरीजों का इलाज चल रहा है। KGIMU में 13 मरीजों का इलाज चल रहा है। लखनऊ में 2 लोगों की ब्लैक फंगस से अब तक मौत हो चुकी है। मेरठ में ब्लैक फंगस के 10 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टर्स की प्रबंधन टीम का गठन कर दिया है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बता रही हैं। ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है, संख्या बढ़ रही है लगातार मरीजों की। तेजी से ब्लैक फंगस अपने पैर पसा रहा है प्रदेश में। इसके साथ ही ताजा आंकड़ा भी आपको हम बता रही हैं कि आखिर कहां पर ब्लैक फंगस की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। इधर KGIMU में 13 मरीजों का इलाज चल रहा है जो ब्लैक फंगस से संक्रमित हैं। लखनऊ में 2 लोगों की ब्लैक फंगस से अब तक मौत हो चुकी है। मेरठ में ब्लैक फंगस के 10 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टर्स की प्रबंधन टीम का गठन कर दिया है। ब्लैक फंगस के मामलों को ये टीम देखेगी। तो तेजी से लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ में भी लगातार मरीजों में ब्लैक फंगस का संक्रमण देखा जा रहा है। 2 लोगों की मौत लखनऊ में हो चुकी है ब्लैक फंगस के कारण। मेरठ में 10 से अधिक मरीज अब तक मिल चुके हैं। उधर सरकार की ओर से विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम का गठन किया गया है। दरअसल ब्लैक फंगस क्या है ये आपको हम बता दें ग्राफिक के जरिए। जिस तरह कोरोना संक्रमण आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम करता है, उसी तरीके से ब्लैक फंगस से भी इसी तरह आपकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती है और आपकी नाक बंद होना शुरू हो जाता है, उल्टी आना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही ये लक्षण आपको हम बता रहे हैं ब्लैक फंगस के। बार बार फीवर भी आपको, यानी कि बुखार बार बार आपको आता है, जिस तरह कोरोना संक्रमण बुखार बार बार आता है, इसी तरह ब्लैक फंगस के भी कुछ इसी तरीके के लक्षण हैं। तो एक फंगल डिजीज है ब्लैक फंगस और लगातार इसको लेकर सरकार की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है और इसके लिए जो इंतजाम है वो भी लगातार सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। हालांकि शुरुआत में जो ब्लैक फंगस की पहचान है वो करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए लगातार अब डॉक्टर्स की टीम इस संक्रमण की पहचान करने में जुटी हुई है ताकि लोगों को जल्द से जल्द आगाह किया जा सके और इस संक्रमण को रोका जा सके। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं, साथ ही ग्रेटर नोएडा से रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ कानपुर से भी राहुल वाजपेयी जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। रवि, क्या कुछ स्थिति ब्लैक फंगस की लखनऊ में है, अपडेट करें। देखिए पराग, बताना चाहेंगे यदि लखनऊ की बात समझ रहे हैं तो लखनऊ में इस समय जो ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं वो बढ़कर 20 हो चुके हैं, जिसमें कि 13 मरीज KGIMU में उपचार ले रहे हैं और जिसमें कि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है लखनऊ में। ये चिंताजनक हालात हैं। हालांकि इसको लेके मुख्यमंत्री ने एक विशेष पैनल बनाया है लखनऊ में। SCPGI के जो निर्देशक हैं RK धीमान, इनके निगरानी में एक 12 लोगों की टीम बनाई गई है जो कि पूरे प्रदेश में इस संक्रमण से जंग जीतने के लिए निगरानी करेगी। और वहीं पर मुख्यमंत्री ने जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के उनको अलर्ट पे कर दिया है, चूंकि ब्लैक फंगस की जो बीमारी है, चूंकि नाक और कान और जो फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलता है तो अनेक प्रकार की शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है, उसके चलते मेडिकल कॉलेज को ही ज्यादातर चुना गया है। चूंकि मेडिकल कॉलेज में जो टीम होती है, जो पैनल होता है, वो कई विभागों का होता है, इसके चलते मेडिकल कॉलेज को ज्यादा उचित समझा है सुरक्षा दृष्टि से। इसके लिए लगातार प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ में मात्र 8 मरीज थे और इन 2 दिनों में 20 मरीज पहुंच गए हैं। तो लगातार प्रदेश में भी संक्रमण फैल रहा है और प्रदेश की स्थिति 100 के ऊपर पहुंच चुकी है ब्लैक फंगस को लेकर, और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। तो चिंताएं साफ है शासन पे और लगातार प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इस महामारी कोरोना के बीच ये भी एक बड़ी चुनौती लोगों के लिए बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें मौत जल्द हो रही है और इसमें हृदय गति रुक रही है, फेफड़ों में इन्फेक्शन, फेफड़े फूलने लगते हैं और आंखों में सूजन आता है, जिसके चलते आगे ये ब्रेन भी लोगों का डैमेज कर रहा है, जिसके चलते कई प्रकार की दिक्कतें हैं। हालांकि लखनऊ में इस प्रकार के जो चीजें सामने आई उसमें लोगों में भी स्थिति भय की है और प्रशासन लगा जरूर है लेकिन लगाम लगाने में भी नाकाम ही है। ठीक है रवि, आप मेरे साथ बने रहिए कानपुर, माफ कीजिएगा अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए कानपुर का हम रुख करेंगे। राहुल,
कानपुर में स्थिति क्या कुछ कह रही है, ब्लैक फंगस के मामले किस तरह से वहां पर सामने आ रहे हैं और क्या डिजीज वहां पर हो रही है अभी तक? ये देखिए पराग, मैं आपको बता दूं कि कानपुर में जो ब्लैक फंगस के मामले, उनमें 50 जो बीमार निकल कर सामने आए, मेडिकल कॉलेज के हेलेट में भर्ती किया गया, उनका इलाज चल रहा है। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करी जाए तो भी ब्लैक फंगस से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन इस बीमारी ने कानपुर शहर में पैर पसारना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से ये 50 की संख्या निकल कर सामने, ये एक चिंताजनक बात है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मेडिकल कॉलेज के ही नेत्र विभाग में जो मेडिकल कॉलेज के प्रचार हैं आरबी कुमार, उन्होंने एक नेत्र विभाग को वार्ड बना दिया, उसी में इनकी जांचें हो रही है। इसके अलावा 100 इंजेक्शन जो इस बीमारी में कारगर है, फोटोरेसिबिन B100, वो इंजेक्शन यहाँ कानपुर में मंगा लिए गए हैं। विशेषज्ञों की पूरी टीम तैनात है। कहीं ना कहीं जो आज रविवार का दिन है, उसमें इसकी पूरी जाँच की जा रही है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज को ही इसका पूरा जिम्मा सौंपा गया, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के अंदर ही सारी व्यवस्थाएं इनकी करी गई हैं। और एक बात, बड़ी बात यह भी है कि जो कोरोना से ठीक हुए हैं उस पे ये ब्लैक फंगस ज्यादा तेजी से अटैक कर रहा है, उनको दोबारा चपेट में आए हैं। जी राहुल, आप मेरे साथ बने रहिए, हम ग्रेटर नोएडा का रुख करेंगे। रजत हमारे साथ बने हैं। रजत, ग्रेटर नोएडा में स्थिति क्या है, ब्लैक फंगस की अपडेट करें। जी बिल्कुल, तो अगर हम नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात करें, 14 मई को 6 मरीज आए थे जिन्हें ब्लैक फंगर था, जो कि कोरोना पीड़ित थे, उन्हीं में ही ब्लैक फंगर के लक्षण आए थे। हालांकि अब जो आंकड़ा है लगभग 10 के आसपास पड़ चुके हैं, लेकिन अब जो प्रशासन है काफी अलर्ट है, क्योंकि जो ब्लैक फंगर जो मरीज है वो मिलने के बाद, अब एक तो जहाँ कोरोना का बीमारी और दूसरी तरफ ये दूसरी बीमारी, कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अब अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरी बीमारी भी लोगों को लपेट रही है। जो ब्लैक फंगर बीमारी है, ये ज्यादातर उन्हीं लोगों में जो कि कोरोना पीड़ित है, जो कि कमजोर है, जिनका इम्यूनिटी पावर सही नहीं है, या तो जो लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उनमें भी ये ब्लैक फंगर पाया जाता है, और जो नहीं हुए उनमें भी होने की आशंका है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी पावर कम है तो उन्हीं में ये संक्रमित जाना पाए जाते हैं। अभी तक की नोएडा की बात तो लगभग 10 मरीज ऐसे नोएडा के अंदर ब्लैक फंगर के पाए जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन भी अभी तक मृत्यु दर बात करें तो ब्लैक फंगर के से अभी तक किसी भी पेशेंट की जो कोरोना संक्रमित उसकी डेथ नहीं हुई। हालांकि आंकड़े हैं वो बड़े हैं, क्योंकि 14 मई के बाद से अब तक की बात करें तो लगभग 10 से 12 जो मरीज हैं जो कोरोना संक्रमित थे वो अब ब्लैक फंगर की चपेट में आ चुके हैं। जी रजत, आप मेरे साथ बने रहिए। अभिषेक, सरकार ने एक टीम का गठन किया है जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि आखिर क्या कुछ इस टीम की ओर से किया जाएगा और इस संक्रमण की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अभिषेक, देखिए पराग, बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है, उन्होंने कल आदेश दिए हैं अधिकारियों को कि एक उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ में एक पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया जाए। जैसे कोविड कंट्रोल रूम काम करता है, वैसे एक कंट्रोल रूम ब्लैक फंगस के लिए बनेगा, और इसमें जो 12 लोग पीजीआई से लिए गए हैं एक्सपर्ट टीमों की, वो पूरे निगरानी करने के लिए अन्य पैनल उनके साथ और जुड़ेगा, लगातार उन मरीजों से संवाद किया जाएगा। और उन्होंने, मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अस्पताल में ब्लैक फंगस के भर्ती मरीजों के एवं उनके साथ तीमारदारों के साथ किसी प्रकार की अभद्रता न हो, उनको पूरी सहूलियत दी जाए, उनमें उपचार को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो बड़े स्तर से इसमें मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और उसमें शासन भी लगा हुआ है, लेकिन समस्या इसी बात की है कि आखिरकार शासन किस स्तर तक इससे निपट पाता है, चूंकि जिस प्रकार से तेजी से ब्लैक फंगस उत्तर प्रदेश में पैर फैला रहा है, कहीं में कहीं ये बड़ी चुनौती कही जाएगी। और जो 12 लोग चिन्हित किए गए हैं इस कार्य को कुशलता से निपटाने के लिए, वो आखिरकार कितना मुख्यमंत्री पे भरोसा जता, जो मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया उसमें कितना खरा उतर पाते हैं, ये देखना है। लेकिन अभी यदि लखनऊ की बात करें तो आदेश के बाद लखनऊ में अभी कंट्रोल रूम बनाया नहीं गया है, ये एक बड़ी लापरवाही कही जाएगी, जिसमें कि तत्काल प्रभाव से लोगों को राहत दी जा सके, मरीजों तक
तक अभी कोई विशेष जानकारी नहीं जा पा रही है, कोई बचाव के लिए गाइडलाइन नहीं जारी की गई है, कोई विज्ञापन नहीं जारी किए गए हैं, कोई टीमें ऐसी नहीं लगाई गई हैं शहर में जो कि लोगों में जा जाके इस प्रकार की ब्लैक फंगस की जानकारी साझा कर पाएं, लोगों को जागरूक कर पाएं। तो ये तमाम ऐसे बड़े काम बकाया हैं जो कि लोगों के लिए इन मौत के मुंह से बचा सकते हैं, लेकिन अभी लखनऊ में या पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई ऐसी जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया है। अभी सिर्फ आदेश हैं और आदेशों में किस प्रकार का पालन कर पाते हैं यहाँ के अधिकारी, ये देखना है। अपराग बिल्कुल अभिषेक, आप बने रही। राहुल, ये बड़ी बातें अभिषेक की ओर से कही गई हैं, जितना जल्दी हम अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करेंगे शायद ब्लैक फंगस को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना की जो स्थिति भयावह दौर में गई उससे लोग पहले से भयभीत हैं, और अभी अगर ब्लैक फंगस भी इसी तरीके से बढ़ता है तो जाहिर तौर पर लोगों की चिंताएं और बढ़ सकती हैं। अभी कानपुर की अगर हम बात करें, क्योंकि अभिषेक ये कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई गाइडलाइन अभी प्रभावी तौर से जारी नहीं की गई है, लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान कोई नहीं चलाए गए हैं, क्योंकि अभी डॉक्टर्स ही इस ब्लैक फंगस को जांच रहे हैं, भांप रहे हैं कि आखिर कैसे हम इसे रोकें या फिर कैसे लोगों को जागरूक करें। कानपुर में लोगों के मन में किस तरह की अभी कश्मकश ब्लैक फंगस को लेकर है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या वहां पर लोग जागरूक हैं, या फिर कोरोना के दौरान जिस तरीके से लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही थी जो लापरवाही दर्शाती थी, क्या ब्लैक फंगस को लेकर लोग खुद से जागरूक हैं या फिर नहीं? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लोग अभी खुद जागरूक नहीं है, क्योंकि जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा कोई भी, चाहे लखनऊ SGPGI से जो अभी वेबिनार हुई है उसमें जो डॉक्टर अहलक के प्रचार है डॉक्टर आरबी कमल वो शामिल हुए थे वेबिनार में, उसके बाद से उन्होंने ये फैसला लिया, और मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग में वहाँ वार्ड बनाया गया, वहाँ इंजेक्शन की व्यवस्था करी गई। क्योंकि मैं बता दूं कि पिछले 3 दिन से लगातार ब्लैक फंगस के मरीजों का आना शुरू हुआ, और अभी 2 दिन पहले ही एक मरीज ने अपनी दोनों आंखें खो दी है इस बीमारी से। तो कहीं ना कहीं, और जब जिस तरीके से 50 केस निकल के सामने आना कानपुर के लिए चिंताजनक की बात है, लेकिन जिला प्रशासन अभी भी डॉक्टरों के सहारे, उसने अभी तक कोई भी ऐसा जागरूकता अभियान नहीं चलाया है। आप देख सकते थे पिछले कोरोना काल में और दूसरी लहर में कोरोना में भी लोग अभी जागरूक नहीं है, लोग अभी भी इस बीमारी को, चाहे वो कोरोना हो और चाहे ये ब्लैक फंगस हो, उसको अभी भी ऐसे ही टाल रहे हैं। लोग घरों से बिना मास्क के निकल रहे हैं, जबकि कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, लॉकडाउन लगा हुआ है, और लेकिन निश्चित तौर पर सड़कों पे बदस्तूर भीड़ जा रही है, लोग निकलना नहीं बंद कर रहे। और इसी बीच जो जिस तरीके से ब्लैक फंगस ने कानपुर में अपने पांव पसारे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है जिला प्रशासन के लिए भी, और जो स्वास्थ्य विभाग है उसके लिए भी पूरी तरीके से चिंताजनक बात है, और किस तरीके इस बीमारी से लड़ा जाएगा और किस तरीके लोगों को जागरूक करना है, ये एक बड़ा सवाल है जी। ठीक है रचित, ग्रेटर नोएडा, नोएडा की अगर हम बात करें तो वहां पर भी क्या इसी तरीके की अभी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी प्रशासन भी असमंजस में है कि कैसे हम लोगों को जागरूक करें, क्या बताएं, कैसे सावधानी बरतने के लिए लोगों से कहें, तो लोग कैसे आखिर बचें इससे, क्या कह रहा है स्वास्थ्य महकमा? बिल्कुल, क्या अगर हम बात करें, नोएडा हाईटेक जिला है, लेकिन अभी जो ब्लैक फंगस की बात करें, जो कि बीमारी अभी नई नई निकल कर आई है, इससे अभी तक लोगों को जानकारी बेहद ही कम है, क्योंकि अभी तक जमीनी स्तर पर किसी भी तरीके कोई भी लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार नहीं किया गया जिससे लोग जागरूक हो सके। लेकिन अभी कोरोना के बाद जो ब्लैक फिंगर की बीमारी, इसके चलते अब ये, क्योंकि कोरोना से ये ब्लैक फिंगर काफी घातक बीमारी है, इसकी बीमारी के लक्षण आखिर जो कोरोना पेशेंट मरीजों जो संक्रमित होते हैं उन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद वो शुगर लेवल उनकी बढ़ जाती, फिर वो जो ब्लैक फिंगर है उनकी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन शासन की बात करें, अभी तक जमीनी स्तर पर कोई भी ऐसी इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके, जिससे लोग सचेत रह सके, जो कि बीमारी है ब्लैक फिंगर उससे बचा सके। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति जरूर की गई है, जो कि ब्लैक फिंगर के जो मरीज होते हैं उन्हीं को ही देखेगा। जिसमें बात करें जो छोटे छोटे जिलों में है उनको 3-4 जुड़े जोल के एक जो नोडल अधिकारी की नियुक्ति की, जिसमें अगर बड़ा जिला कहीं नोएडा हो गए, गाजियाबाद हो गए, ऐसे जिलों में एक जो अधिकारी है उसकी अलग से नियुक्ति की गई है, जो कि ब्लैक फिंगर के मरीजों को ही देखरेख करेगा, उनके ही उसमें अंदर ही उसका इलाज किया जाएगा। हालांकि अभी तक जो लोगों को जागरूक करता की बात करें, जो लोगों को जागरूक करा, ऐसा तक यहाँ पर अभी कोई भी अभियान नहीं चलाया गया जिससे लोग हैं वो जागरूक हो सके।
अभिषेक, वही बात है जो आप जिक्र कर रहे थे कि अभी प्रशासनिक तौर पर ही लोगों को नहीं बताया गया है कि क्या इसकी गाइडलाइन है, तो लोग अपने आप को जागरूक कैसे करेंगे? अब लखनऊ में क्योंकि राजधानी है और प्रदेश भी लखनऊ से चलता है, तो किस तरह की आप वहां पर सुगबुगाहट देख रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर? क्या जानकारी आपको प्रशासनिक तौर पर स्वास्थ्य महकमे से मिल पा रही है? देखिए पराग, सबसे अहम बात यह है कि इस समय जो वर्तमान में हालात हैं प्रदेश के, उन प्रदेशों में उन जगहों पर, उन जनपदों में अभी तो लोग कोरोना महामारी से ही जूझ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि आखिरकार प्रदेश की अभी भी 70% आबादी ब्लैक फंगस की परिभाषा नहीं समझती है। उसको जब ब्लैक फंगस होगा उसको ये नहीं समझ में आएगा कि हम कौन से अस्पताल में जाके उपचार कराएं, कौन सा अस्पताल कोविड है, कौन सा अस्पताल कोविड नहीं है जिसमें हमारा ब्लैक फंगस का उपचार हो सके। इसको लेकर सरकार को और जिला स्तर पर जो कमेटियां बनाई गई हैं, जो टीमें लगाई गई हैं, उनको लोगों को जागरूक करना होगा कि आखिरकार ब्लैक फंगस के लिए आपको इन अस्पतालों में उपचार मुहैया कराया जाएगा शासन द्वारा। लेकिन अभी तक वो स्थितियां नहीं कायम हुई हैं। इसके लिए जिला प्रशासन को सबसे पहले बड़े कदम जो उठाए हैं उनमें और बड़े कदम उठाने की जरूरत यह है कि लोगों को जागरूक करें, एक कंट्रोल रूम बनाए, कंट्रोल रूम के माध्यम से लोगों को मैसेज जाए, जागरूक हो, कम से कम एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए कि ब्लैक फंगस को यदि किसी को बीमारी होती है आप इस नंबर पर संपर्क करें, उसके उपरांत लोगों को राहत मिल जाएगी। अन्यथा जो मरीजों की संख्या है वो जाहिर सी बात बढ़ेगी। लखनऊ में 8 मरीज थे, आज 20 मरीज हो गए, लगातार ये क्रम जारी है। मेडिकल कॉलेजों का आश्वासन जरूर दिया जा रहा है लेकिन तय समय से उपचार नहीं मिलेगा, तत्काल उनकी मौतें होगी, इसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इनमें अभी भी अधिकारी यदि बात करें, जो लोग लगाए गए वो लापरवाही ही बरत रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद दो दिन बाद भी यदि कंट्रोल रूम नहीं बना है तो आखिरकार ये क्या कहा जाएगा? साफ कहा जाएगा कि लापरवाही कही जाएगी। और यदि इसमें यदि समय से नियंत्रण पा लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में इस महामारी से जंग जीतने में जरूर कायम होंगे, अन्यथा ये बीमारी भी एक बड़ी बीमारी है और ये कहीं में कहीं लोगों के लिए बड़ी एक मौतों का एक संकेत दे रही है और कहीं में कहीं बड़ी मौतें होंगी, लोग बहुत ज्यादा इफेक्टेड होंगे और एक लोगों में फिर एक भय की स्थिति कायम होगी कि आखिरकार ब्लैक फंगस से जंग किस प्रकार जीती जाए। पराग, अभिषेक, ये जो ब्लैक फंगस में बीमारी से लेकर मौत तक की रफ्तार है ये कितनी है, और जो अभी लगभग 16 मरीजों का इलाज लखनऊ में चल रहा है उनकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कोई जानकारी? देखिए पराग, ये जो 16 मरीज हैं जिसमें कि उसमें 5 मरीज बेहद जो गंभीर स्थिति पे हैं, जिनको कि गंभीर स्थिति पे अन्य जगह शिफ्ट किया गया है, बाकी जो मरीज हैं वो अभी स्थिति उनकी सामान्य है। लेकिन वो भी मरीज यदि समय से नहीं जागे, यदि मरीजों द्वारा सही उपचार नहीं चला तो वो भी खतरनाक स्थिति पर हो सकते हैं। लखनऊ में हालांकि समय अभी कुछ देर पहले 5 मरीज और बढ़े हैं और ये मरीज टोटल संख्या लखनऊ में 20 हो चुकी है, जो कि इसमें मौतें भी हो चुकी हैं लोगों की, और 2 या 3 दिन के अंतर जब से ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है लखनऊ में। लेकिन आपका जो सवाल है कि यदि औसतन की बात करें तो मृत्यु दर तो देखिए बढ़ रही है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे लखनऊ में हो, और यह जाहिर है कि यदि ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है और उसके 2-3 दिन बाद मौतों का आना शुरू हो गया है, लोगों की मौत होने लगी है, तो चिंताजनक हालात जरूर हैं। यही हालात चिंताजनक देखते हुए मुख्यमंत्री ने बैठक जरूर ली है, निर्देश जरूर दिए हैं, लेकिन अभी अब पूर्ण रूप से उसको ग्राउंड से काम कर पाना कितना यह सुनिश्चित कर पाते हैं, अधिकारियों के साथ कितना संवाद कर पाते हैं, कितना अधिक लोगों को मदद कर पाते हैं, यह समय जो है इस समय लोगों की मदद करने का है, लोगों से जो अपील है, जो ग्राउंड से उनको लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाने का, जो हेल्पलाइन नंबर जारी करें, वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यदि ये प्रशासन काम कर लेगा उतना ही लखनऊ वासियों के लिए और प्रदेशवासियों के लिए। अभिषेक सिंह, तमाम जानकारी बातचीत के लिए राहुल वाजपेयी आपका बहुत शुक्रिया कानपुर से अपडेट पहुंचाने के लिए, साथ ही रजत कुमार आपका बहुत शुक्रिया नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।